गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू ऑल आर फाइन। सो यस्टरडे वी हैव टू लर्न, वी हैव टू स्टडीज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज इट्स टाइप? सो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन टास्क और एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूज। नाउ वेयर वी आर गोइंग टू यूज जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। अ जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समटाइम नोन एज ऑफ द सेल्फ इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू होम एंड स्कूल। Examples include word processor, spreadsheet, database, desktop public speaking package, graphics package, etc. It is easily available for the most computer shops. This type of software tries to be a jack of all trades. It provides many features that the majority of user want. Example, formatting text, creating chart, organizing table, but does try to be all things to all people, and so there will be vast number of feature that you may never use. Example, static function, mail merge. This makes the storage size of this application fairly large. There are several good reasons for using general purpose software. It is relatively cheap. It is available for the most computer shops. It will have been thoroughly tested, so there won't be any serious problem or error. There will be a lot of user support, i.e. books, user guide, online help and discussion forum on the internet. Example of general purpose application softwares. First one is word processing application, writing report, memos, letter or customs. Spreadsheet application, keeping simple company account, calculating employees, commission payment, simple stock, control system modeling. Database application, keeping customer record, sales record, appointment system. Desktop publishing application, creating leaflets, poster, business card. Presentation software, creating presentation to show to customer or staff. Graphics application, manipulating image that can be used at home, school or business. Web designing application, creating a personal or business website. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट मीन यह एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है और जिसके थ्रू हम लोग अपने सारे वर्क को करते हैं। इसमें आता है जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि इसमें साधारण वर्क करने के लिए, लाइक किसी का रिपोर्ट कार्ड बनाना हो गया या किसी के मेमोज बनाने हो गए, लीफलेट्स बनाने हो गए, ये सारी चीज़ें को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसा कि इसमें कई सारे आपको मिलेंगे सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, इसके बाद आपको स्प्रेडशीट हो गए, पेंट हो गए, इन सारे चीज़ों की वजह से ये सब जनरल पर्पस है। इनसे हम आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर एनी मोस्ट कंप्यूटर शॉप्स। ये हर जगह आपको मिल सकते हैं, इसको ढूंढने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। इसके बाद इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे मेल मर्ज करने के लिए मेल मर्ज हम लोग कर सकते हैं, किसी को भी मेल कर सकते हैं। अगर हमें घर बैठे किसी को मेल करना हो तो इसके थ्रू हम लोग आसानी से मेल कर सकते हैं। अब इसमें दिया है कि सम एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ जनरल पर्पस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे उनको हम लोग जानते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट मीन जनरल पर्पस के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। इट मीन जहाँ पर हम लोगों को लिखना होता है तो उसके लिए राइटिंग रिपोर्ट है, मेमोज है, लेटर्स है, वो सब है। स्प्रेडशीट, इसमें हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट नंबर, उनके डिटेल, उनके पेमेंट, इन सब चीज़ों को रखते हैं। इसके बाद है डाटाबेस एप्लीकेशन। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों की डाटा रखते हैं, जैसे कि बहुत बड़े मॉल्स हो गए, कीपिंग स्टोर्स हो गए, इन सभी की डाटा को हम लोग रखते हैं। इसके बाद है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। इट मीन की पोस्टर बनाना, लीफलेट्स बनाना, तो इसके लिए भी हम लोग को ये काम करते हैं। इसके बाद है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट मीन की किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कि एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद आते हैं ग्राफिक्स एप्लीकेशंस। तो ग्राफिक्स बनाने के लिए, जैसे कई तरह के ग्राफिक्स भी होते हैं उनको हम लोग बनाते हैं, तो वो बनाने के लिए भी हमको यूज़ होता है। इसके बाद है वेब डिज़ाइन। तो वेब डिज़ाइन इट मीन कि अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, जैसे कोई भी लोग बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो वेब पब्लिशर का भी उन्होंने यूज़ किया है। अब हम आते हैं कस्टम
सॉफ्टवेयर। तो अब कस्टम कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को, आइए हम लोग देखते हैं। कस्टमाइजिंग सॉफ्टवेयर, द कस्टमाइजिंग सॉफ्टवेयर इज स्पेशली डिजाइन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल और कंपनी। एन इंडिविजुअल और कंपनी में नीड सॉफ्टवेयर दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ देयर पर्पस में नॉट बी सॉल्व बाय वॉट इज अवेलेबल विथ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। द कस्टमर ऑन द राइट एंड द लाइसेंस टू बी प्रोडक्ट द क्लाइंट कैन रिजल्ट द सॉफ्टवेयर टू देयर इंटरेस्टेड पार्टीज। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन कंबाइन फीचर फ्रॉम अदर एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर विथ फीचर्स दैट अ कंपनी नीड। मेनी कंपनीज चूज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू एलिमेंट रिपीटेटिव टास्क, इनहेंस द मेंटेनेंस ऑफ प्राइसेस डाटा एंड इम्प्रूव शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गेट रियल टाइम रिजल्ट। कस्टम सॉफ्टवेयर आर डिजाइन एंड डेवलप फॉर हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन एंड बैंक्स। Now there is hospital. Hospital can keep the data of patient and retrieve it may any time. This enable a doctor and his assistants to transfer the detail of a patient through a network. Keeping patient's blood group in the hospital database makes the search for suitable group blood easy. Hospital also use billing software, especially in their dispensary. Place of education. Schools use custom software to keep admission detail of students. They produce transfer certificate also. Shops. Billing is a common use of custom software. Custom software is used by small shops, supermarket and wholesale sellers to held stock detail and to generate कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एडमिन की कस्टमाइज में हम लोग वो काम करते हैं जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को मिला करके हम बनाते हैं अपने अनुसार। एडमिन अगर हमें रखना होता है तो अब हम लोग एक्सेल का काम अपने वर्ड पैड में नहीं कर सकते हैं, वर्ड पैड का काम एक्सेल में नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम इन सॉफ्टवेयर को अपने अनुसार बनाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एडमिन की अब इसका यूज़ हम लोग हॉस्पिटल में कर सकते हैं। हॉस्पिटल में किस लिए करते हैं, तो पेशेंट का सारा डिटेल, ब्लड ग्रुप्स, इन सब चीज़ों को रखने के लिए करते हैं। इसके बाद है एजुकेशन वाले जगह पर, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इन सभी जगहों पर भी हम लोग इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है शॉप्स आता है, यानी कि दुकानें होती हैं, वहाँ पर बिल आपको काट कर देते हैं। अब जैसे कपड़े की दुकान पर हो गया, तो कपड़े की दुकान पर आपको किराने के मार्केट का वो बिलिंग नहीं मिलेगा। अगर आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में आपको हर एक चीज़ की वो बिलिंग मिलती है, चाहे जो भी सामान आप खरीदें। तो इसीलिए हम लोग इसमें इस बिल का भी यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम, व्हेन वी टाइप सम लेटर और वर्ड द कंप्यूटर ट्रांसलेट देम इन नंबर। एज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली नंबर, अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड पोजिशनल नंबर सिस्टम वेयर देयर आर ओनली अ फ्यू सिंबल कॉल्ड डिजिट एंड दीज सिंबल प्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर। देयर आर डेसिमल नंबर सिस्टम, द डेसिमल नंबर सिस्टम वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10 एज इट यूज 10 डिजिट फ्रॉम 0 टू 9। इन डेसिमल नंबर सिस्टम द सक्सेसिव पोजिशन टू द लेफ्ट of the decimal point represent unit, tens, hundred, thousand and so on. Each position represent a specific power of the base 10. For example, the decimal number 1, 2, 3 consists of the digit 4 in the unit position, 3 in the tens position, 2 in the hundred position and 1 is the thousand position, and its value can be written as, you can see that how to retain this value. 1 into 1000 plus 2 into 2000 plus 3 into 10 plus 4 into 1. So, here is a totally converted and then 1, 2, 3, 4. Now, there is a binary number system. The binary number system consists of only two digits, 0 and 1. The base of the number system is 2. Each position is a binary number represent a 0 power of the base 2. Example 2, 0. Binary number 1, 0, 1, 0, 1. Here you can see calculating decimal equivalent. Step 1, 101012 and decimal number 1 into 2 k power 4 plus 0 into 2 k power 3 plus 1 into 2 k power 2 plus 0 into 2 k power 1 plus 1 into 2 k power 0 and oblique 10. Step 2, 10102 is equal to 16 plus 4 plus 0 plus 4 plus 0 plus 1 k power 10. Now step 3rd, 101012. 21 के पावर 10. नोट, 101012 इज नॉर्मली रिटेन एज अ 101012.
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, कन्वर्टिंग 6510 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट डिवाइडेड 65 रिपीटेडली बाय 2, सो यू कैन सी दैट हाउ 2 डिवाइडेड. Now all the remainders will be written in the bottom to top banner and will be noted. This will result is the binary equivalent of the number. So the binary number equivalent of 6510 will be 100001. Conversion of binary number to decimal number. Converting 1110 to power 2 to its decimal number equivalent. So 1 is 1 into 2 to power 3, 1 into 1 to power 2, 1 into 1 to power 1. And 0 into 2 के पावर 0 is equal to 40 power 2. This will result in the decimal equivalent of the number. So the decimal equivalent of 1110 के पावर 2 will be 14 power 2. Decimal number system. The decimal number system is our daily life use. Okay. So a decimal number only 10 base 0 to 9. If we write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so its base is 10. Okay, you can see that 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means its base is 10. So, it is our decimal number system. So, now there is a binary number system. The binary number system consists only two number. Any binary number, it is our decimal number, and binary number only 0 and 1. It is our binary number. So binary numbers is the, and its base are only 2. Its base are only 2 because 1 and 2 numbers. So if we are going to convert the binary to decimal number, so if we are going to convert decimal number to binary, अगर हम लोग decimal से binary में convert करेंगे, तो 2 से divide करते हैं, और अगर हम लोग इसको करेंगे इस तरह से, जैसा कि आपको एक example में मैंने अपने book में दिखाया था, तो उस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं. तो ये chapter हम लोग का finish होता है. Now हम अब मिलेंगे अगले समय, ठीक है, next day, और हमारा chapter 1 यहाँ पर खत्म हुआ. इसके साथ ही मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको दे दूंगा. आप लोग आराम से इसे घर पे करिएगा, क्योंकि हम लोग अभी घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो आप लोग आराम से इसे पढ़िए. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.